इस वीडियो में हम गोसेंस फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को समझेंगे ह्यूमन एंजॉयमेंट से रिलेटेड। ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ आपके बहुत सारे टीचिंग कॉमर्स के एग्जामिनेशन और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार ये अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, साथ ही कई बार जॉब से रिलेटेड एग्जामिनेशन में भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम समझते हैं गोसेंस फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ को। तो गोसेंस का जो फर्स्ट लॉ ऑफ ह्यूमन एंजॉयमेंट था उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है गोसेंस फर्स्ट लॉ क्या था, तो आपको उसका आंसर क्या टिक करना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। या ये पूछा जाए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन सा वाला गोसेन का लॉ था, तो वो फर्स्ट लॉ था। कई बार नाम पूछा जाता है कि ये लॉ किसने दिया था, तो गोसेन ने दिया था। नॉर्मली इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है, गोसेन का पहला ही वाला जो लॉ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये होता क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कोई भी कमोडिटी हम कंज्यूम करते रहते हैं बिना इंटरवल दिए, मीन्स गैप बिना हुए, अगर हम लगातार कोई कमोडिटी थोड़ी थोड़ी देर पे खा रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मीन्स जो पहली बार हम लोगों ने कोई भी चीज़ कंज्यूम की होती है या खाई होती है उससे हमको बहुत मज़ा आता है, मीन्स सेटिस्फैक्शन हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे सपोज़ कीजिए आपने पहली बार कोई आइसक्रीम खाई हो खरीद करके, तो जो पहली बार आप आइसक्रीम खा रहे हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मीन्स सेटिस्फैक्शन आपको बहुत ज़्यादा मिलता है और आपको लगता है हाँ जितना पैसा पे किया है वो पूरा वसूल हो गया है। पर जब वही आइसक्रीम आपको दोबारा खाने को होता है तो सोचते हैं आप एक बार कि पैसा खर्च करें या ना करें। यहाँ पे आपको सोचना क्यों पड़ता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपका मन जानता है कि आपको अब वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है, वो मज़ा नहीं आने वाला है जितना आप उसमें पैसा लगाएंगे, तो दूसरी बार आप फिर खरीद लेते हैं। तीसरी बार क्या होता है कि आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलना होता है वो और पहले से कम मिल रहा होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ इस एग्जांपल में आइसक्रीम को, वैसे वैसे हमको जो मज़ा है जो सेटिस्फैक्शन है धीरे धीरे पहले के कंपैरिजन में कम मिलता जा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब एडिशनल, मीन्स वन मोर। तो एक से जब दूसरा आइसक्रीम गया, दूसरे से तीसरा, हर बार एक से हम बढ़ रहे हैं, तो जब हम एक आइसक्रीम से दूसरे, दूसरे से तीसरे पर बढ़ रहे हैं, तो जितना हमको एडिशनल यूटिलिटी मिल रहा है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और ये जो यूटिलिटी है हर बार पहले के कंपैरिजन में कम होता जा रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है हमारा गोसेन सेकंड लॉ ऑफ ह्यूमन एंजॉयमेंट, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आप नाम से ही देख करके समझ सकते हैं। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सेकेंड लॉ क्या है गोसेन का, तो आप कहेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, या तो ये नाम दिया रहेगा, पूछा जाएगा ये लॉ किसने दिया था, तो गोसेन ने, कौन सा वाला लॉ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से ऑप्शन दिया जाता है, तो सेकंड लॉ था। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसका जो मतलब है वो ये है कि आपको यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है वो इक्वल मिल रही है। इक्वी ऑलरेडी इसका वर्ड का मतलब ही यही है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग होता ये है कि हमारे पास पैसे लिमिटेड होते हैं। मीन सपोज़ कीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और आपको तीन फ्रूट्स खरीदने हैं, तीन अलग अलग फ्रूट्स खरीदने हैं, तो एक कंज्यूमर या कस्टमर क्या करता है कि उसके पास चूंकि पैसे तो लिमिटेड है, तो वो इस तरह से अपने 100 रुपये को खर्च करेगा तीन अलग अलग फ्रूट्स पे कि उसको सेटिस्फैक्शन क्या मिले, सबसे बराबर मिले। तो इनका कहना था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कि जो एक कंज्यूमर होता है या एक पर्सन होता है वो अपने पैसे को इस तरह से अलग अलग कमोडिटीज़ पे, अलग अलग कमोडिटीज़ पे खर्च करता है ताकि उसको जो सेटिस्फैक्शन है वो इक्वल मिले। मीन्स हो सकता है आपको 2 किलो जो है संतरे खरीदने में उतना मज़ा आए जितना 1 किलो आम में और आधा किलो अंगूर खाने में, तो आप उसी हिसाब से अपने पैसे को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं और उतने किलो खरीद लेते हैं। तो आई होप आपको ये गोसेंस लॉ समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। आप अगर यूपी के TGT PGT एग्जामिनेशन में देखेंगे तो कई बार पूछा भी गया है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।